वेलकम टू गेट एकेडमी। अभी आप देख रहे होंगे जस्ट मेरे पीछे की देखो ट्रांजिएंट एनालिसिस टॉपिक डाला हुआ है और जस्ट मैं क्वेश्चंस आपके लिए रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ। क्लियर? तो ये अब आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ और अभी लगभग 11 PM हो रहा है, नाइट आपके पास है। मेरे साथ गौरव भी अभी तक लगा हुआ है, रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं और लगभग रात का 11 बज चुका है। क्लियर? अभी हम लोग, मेरे को अभी इतने दिन से आप लोग के मैसेज भी कुछ लोग के आ रहे थे कि सर आपका और भी रिकॉर्ड आप बना रिकॉर्डिंग करते जाइए करके आपके कुछ वीडियोस नहीं आ रहे। तो आप देख रहे हो कि रिकॉर्डिंग की बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत सारे वीडियोस आ रहे, मेरे थोड़े कम आ रहे, बाकी पूरे टीम के वीडियोस आ रहे हैं आपके पास। तो अभी मेरी क्लासेस चल रही थी, अभी नेटवर्क की मेरी क्लास चल रही है, ड्रॉपर बेस चल रहा है, तो मैं फुल डे पूरा एंगेज हूँ। आज थोड़ा सा मेरे को टाइम मिला, आज मेरी इवनिंग में क्लास थोड़ी सी जल्दी खत्म हो गई, तो फिर मैं सोचा कि चलो आपके लिए रिकॉर्डिंग करता। तो अभी हम लोग कंटिन्यूसली रिकॉर्डिंग कर ही रहे, तो अभी लगभग आपके 12 या 1 o'clock 1 तक आपके रिकॉर्डिंग चलते रहेगा, 2 hours और हम रिकॉर्डिंग करेंगे। तो जस्ट मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, तो क्वेश्चन सॉल्व करते करते मेरे को एक चीज़ क्लिक की कि आप लोगों से शेयर करना चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब हम गेट गेट का जब आपके पास हम प्रिपरेशन करते हैं, तो गेट के प्रिपरेशन के समय ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेरे अकॉर्डिंग कि हम क्वेश्चन को रीड कई बार अच्छे से नहीं करते। तो मैं अभी एक क्वेश्चन अभी एक रिकॉर्ड कर रहा था, तो उसमें मैं देखा कि उस क्वेश्चन का स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट था, तो मेरे को लगा कि चलो आपसे कुछ बात करते। तो आप हमेशा एक चीज का केयर करें कि आप अपना जो प्रिपरेशन मोड है उस प्रिपरेशन मोड में ना क्वेश्चन को रीड करने वाला पार्ट बहुत अच्छा रखे, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट जब मैं स्टूडेंट था तो मैं क्वेश्चन को रीड हमेशा अच्छे से नहीं करता था, मैं हमेशा क्वेश्चन को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं करता था, मैं हमेशा क्वेश्चन को ज्यादा देर रीड करने से डरता था। तो मैं क्या करता था, क्वेश्चन को थोड़ा सा रीड किया, उसमें से कुछ देखा कि क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना, और बहुत ही जल्दी बाहर आ जाता था। इसका मतलब है कि मैं क्वेश्चन को होल्ड करके नहीं रखता था कि क्वेश्चन में एक एक लाइन क्या गिवन है। तो मेरे को लगता था कि मैं बाद में समझा आपके पास जब टीचिंग में आया कि क्यों ऐसा मैं करता था, तो मेरे को क्लियर हुआ कि मैं क्वेश्चन को ज्यादा देर रीड करने से एक्चुअली मेरे अंदर फियर था। क्यों? क्योंकि मेरे को लगता था कि मेरा कंसेप्ट इतना अच्छा नहीं है, तो मैं ज्यादा देर तक मेरे को होल्ड क्वेश्चन को नहीं करना चाहिए रीड करने में। तो मेरे को तब समझ आया कि अच्छा मेरा नेगेटिव पॉइंट क्या था। तो मेरा सजेशन है कि आप अपनी प्रिपरेशन मोड में आप क्वेश्चन को हमेशा ज्यादा देर तक रीड करें। अगर आप एक दिन में अगर आप 50 क्वेश्चन अगर बना रहे होंगे, तो आप उसकी जगह 10 ही क्वेश्चन बनाएं, लेकिन उन 10 क्वेश्चन को एक एक लाइन को रीड करें। अगर आप एक एक क्वेश्चंस के एक एक स्टेटमेंट को प्रॉपर रीड करेंगे, आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे होंगे, एकदम मैं सियोरिटी आपको दे रहा हूँ। तो मैं जब पढ़ाता हूँ, तो मैं अपने कंसेप्ट कैसे क्रिएट किया, मैं कैसे कंसेप्ट क्रिएट किया, अगर मैं इसकी बात करूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जब तक उस क्वेश्चन की फीलिंग को ना समझूँ, तब तक मैं आगे ही नहीं बढ़ता। अगर मेरे को क्वेश्चन की फीलिंग क्लियर नहीं है, तो मेरे लिए वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कोई मतलब का नहीं है। तो मैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन का केयर नहीं करता हूँ, मैं क्वेश्चन का ही केयर करता हूँ। और अगर मेरे को क्वेश्चन अच्छे फॉर्म में क्लियर है, मैं किसी को क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकता हूं, इसका मतलब मैं सॉल्यूशन भी एक्सप्लेन कर सकता हूं। तो मैं हमेशा केयर करता हूं कि क्वेश्चन कितने अच्छे फॉर्म में है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि IITs के जो प्रोफेसर है जो इतने अच्छे फॉर्म में क्वेश्चन फ्रेम करते, थोड़ा सा स्टेटमेंट के साथ भी खेलते हैं वो लोग कि स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज कर दिए, तो आप एक नॉर्मल स्टूडेंट को समझ नहीं आता है। तो आप इस चीज़ का केयर करें कि आप आराम से क्वेश्चन को होल्ड करें। हाँ, मेन एग्जाम में आप बहुत देर तक क्वेश्चन को रीड नहीं कर सकते, तो अपनी इतनी हैबिट बनाए आपके पास, जब आप अपनी प्रिपरेशन मोड में रहे, जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो घर में, उस समय आप अभी आप सॉल्व कर रहे होंगे, आपके पास 1 month है, आपके पास लगभग 40 डेज आपके पास है एक गेट के एग्जाम को, 45 डेज के आसपास है। तो इन डेज आपके पास जब आप एग्जाम दे रहे हो, आपके पास मॉक टेस्ट दे रहे हो, घर में बुकलेट बना रहे हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, उस समय ना आप ज्यादा क्वेश्चन करने पे बिलीव ना करें, उस समय आप क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रीड करें, ये आपको बिल्कुल एडवांटेज देगा। जब आप प्रीवियस ईयर के कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या किसी बुकलेट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो उनके ऑप्शंस को भी ध्यान से देखें। तो जितने देर तक आप होल्ड करके रखेंगे क्वेश्चन को रीड करने का पार्ट, जितने अच्छे से आप क्वेश्चन को एंगेज करेंगे, जितने अंदर जाएंगे क्वेश्चन को रीड करने, आपका कंसेप्ट नो डाउट बहुत अच्छा होगा। तो ध्यान रखें, क्वेश्चन को हड़बड़ी में रीड ना करें, क्वेश्चन से ज्यादा डिस्टेंस ना बनाए कि आप रीड के जाने दो क्वेश्चन को। क्लियर? क्वेश्चन के डेटा को पूरे गिवन आप अच्छे से देखें, अगर क्वेश्चन में इनिशियल चार्ज 0 coulomb रखा है तो अच्छे से रीड करें कि हाँ भाई 0 coulomb लिखा हुआ है। तो कोई भी ब्रांच का स्टूडेंट हो, वो इन सब चीजों का केयर करना चाहिए। ठीक है, एक और चीज मैं देखता हूँ आपके पास कि हमसे मिस्टेक्स होती है यूनिट की। अगर आपके पास एक नेटवर्क है उसमें सब रजिस्टेंस ओम में है और आपसे एग्जाम में पूछ लिया कि बताओ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन किलो ओम, तो आपको केयर करना है कि आपसे किलो ओम पूछा है, या कुछ रेजिस्टेंस ओम है कुछ रेजिस्टेंस किलो ओम है और आपको किसी ब्रांच का करंट निकालना है इन टर्म्स ऑफ मिली एम्पियर, तो ये बेसिक बेसिक फॉर्म आपको क्लियर रहना चाहिए।
तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन में ना अगर इन बेसिक चीज़ों का केयर करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। याद रखिएगा, इन बेसिक चीज़ों का अगर आप केयर करोगे तो आपको नो डाउट हेल्प मिलेगा। तो आप ऐसी मिस्टेक से बचोगे। हम लोग जब अपनी प्रिपरेशन में रहते हैं और गेट का जब एग्जाम देके निकलते हैं तो हम लोग का स्कोर इसलिए कम नहीं आता है कि हमसे क्वेश्चन बना नहीं, हम लोग का स्कोर कई बार इसलिए कम आता है कि हमारे 15 क्वेश्चन रॉन्ग हो गए। उन 15 क्वेश्चन में से लगभग 11 क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन अच्छे से रीड ना करने के कारण वो मिस्टेक हुआ, या तो यूनिट का मिस्टेक हुआ, या तो सॉल्यूशन सॉल्यूशन न्यूमेरिकल डेटा टाइप था लास्ट में आपके पास जब हम आंसर पुट कर रहे थे तब मिस्टेक हुआ, या तो हम क्वेश्चंस के मीनिंग ही ना समझे। तो ऐसी सब चीज़ें ना हर्ट करती है। तो आपका एक तो आप इतना मेहनत करके एफर्ट करते हैं, पूरा अपना प्रिपरेशन में पूरा का पूरा जान लगा देते हो, और इतनी बेसिक सी मिस्टेक्स होने से आपका पूरा का पूरा 1 ईयर की प्रिपरेशन इफेक्ट होती है। तो आप इन छोटी छोटी चीज़ों का भी केयर करें, इन सब चीज़ों को अवॉइड ना करें। ये मेरा रिक्वेस्ट एंड सजेशन है कि इन छोटी छोटी चीज़ों को आप अवॉइड ना करें, अपनी प्रिपरेशन मोड में इन चीज़ों का केयर करें। हमेशा क्वेश्चन को जब वो क्वेश्चन पूछ रहा है उस समय हमेशा केयर करें, क्या वो क्वेश्चन वही है जो हम जानते हैं, क्या एग्जैक्टली वो स्टेटमेंट वही है जो हम अपनी प्रिपरेशन मोड में रखे। तो हम क्वेश्चन को हमेशा केयर करें। कई बार क्या होता है कि हम बहुत ही फ्रिक्वेंटली आपके पास ऐसे मान लेते हैं आपके पास कि हम जो पढ़े थे वो भी वही पूछा है। तो IIT का प्रोफेसर जब क्वेश्चन फ्रेम करता है तो उस चीज़ का केयर करता है कि एक नॉर्मल स्टूडेंट को क्वेश्चंस का क्या फीलिंग है, उसको तो ऐसे ही चेंज कर लेंगे। आप सोचिए ना, अगर मैं आपको बोलूँ, क्या बोलूँ मैं आपको, कि आप एक 6th क्लास स्टूडेंट के लिए एक पेपर बनाओ। अब 6th क्लास स्टूडेंट कितना भी इंटेलिजेंट होगा, उसको कितना भी आइडिया हुआ होगा, आप उसको बहुत ही आराम से उसके माइंड सेटअप को ना इधर से उधर कर सकते हो। अपने क्वेश्चन के स्टेटमेंट को ऐसे चेंज करोगे कि उसको क्लिक ही नहीं करेगा। तो एग्जैक्टली हमारे साथ भी ऐसे ही होता है। एक IIT का प्रोफेसर एक बी स्टूडेंट के लिए जब क्वेश्चन फ्रेम करेगा, उसके लिए बहुत आसान है आपके क्वेश्चन के स्टाइल को चेंज करना। उसको पता है कि आपका क्या लेवल है, आप कैसे सोचते हो, किन जगह पे मिस्टेक करते हो, और आपसे मिस्टेक कैसे करवाना है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर? ये कुछ भी बड़ी बात नहीं। मैं अपनी क्लास लेता हूँ, अपनी क्लास में मैं सिंपल से क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ, सिंपल से क्वेश्चन पूछता हूँ, पूरे के पूरे 200 और 300 लोग रहते, पूरे के पूरे एक लाइन से आंसर गलत देते, तो मिस्टेक कराना बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ओके, तो आप मेरे को जैसा भी लगा कि चलो आपसे बात करता हूँ, शेयर करता हूँ आपके पास, क्योंकि मैं क्वेश्चन करवा ही रहा था तो रिकॉर्ड कर रहा था, तो इसमें मेरे को लगा कि जस्ट मेरे को क्लिक किया, तो मैं तुरंत बोला गौरव को कि चलो अपन रिकॉर्ड करते, एक नॉन टेक्निकल बात कर लेते हैं, आपको कुछ एडवांटेज मिल सके इन सब चीज़ों से, आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों का केयर करें। मेरी इन बातों का अगर आप केयर कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि नहीं यार, क्वेश्चन अपने को अच्छे से रीड करना है, अपने को मिस्टेक नहीं करना है, अपने को क्वेश्चन और ज़्यादा डेप्थ लेवल तक रीड करना है, आपको एडवांटेज होगा, कन्फर्म एडवांटेज होगा। आप कितना स्कोर करते हो तो मेरे को नहीं पता, लेकिन ये कन्फर्म है कि आपके आपका जो टेक्निकल जो आपका जो जो भी स्ट्रेंथ है टेक्निकल, जो भी आप जिस जगह पे भी लाई करते हो उससे जरूर वो अप होगा, कन्फर्म अप होगा। तो आप अपना जब भी प्रिपरेशन कर रहे हो इन चीज़ों का केयर करना, प्लीज़ इन चीज़ों का आप केयर करना। तो ठीक है, मेरे को लगता था कि एक पॉइंट पे मेरे को बात करना चाहिए था, तो मैं इस पॉइंट पे आपके लिए बात किया। और कभी कभी क्लिक करेगा आपके पास क्वेश्चन करते करते, तो अगर नॉन टेक्निकल कुछ और बात करनी होगी तो मैं बात करूंगा। तो आपकी प्रिपरेशन चली रही होगी 2018 की, आपका एग्जाम बिल्कुल नज़दीक आने वाला है, और थोड़ा सा फियर वाला पार्ट भी आ रहा होगा कि एग्जाम आने वाला है, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो नेगेटिव थॉट्स को बिल्कुल मत आने दो, अपना 100% दो, आपको ये सोचना ही नहीं है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। क्लियर? ये जो थॉट है आपके पास कि अगर मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, ये थॉट जो है वो बहुत डेंजर है आपके पास। जब इस थॉट के साथ आप जब एग्जाम देने जाते हो या इस थॉट के साथ जब आप प्रिपरेशन करते हो तो आपकी जो क्रिएटिविटी रहती है वो धीरे धीरे डाउन होना चालू होती है। तो आप इस थॉट के साथ कभी भी प्रिपरेशन में मत रहिए। आपको बस ये सोचना है कि भाई मेरे को अपना बेस्ट एफर्ट देना है। बेस्ट एफर्ट देना है मतलब बेस्ट एफर्ट देना है, और आपको पूरे के पूरे टाइम को यूटिलाइज करना है। अगर आप 2018 के एस्पिरेंट अगर होंगे तो आज जैसे अगर मैं बात करूं, आज जब मैं अब जब रेडी कर जब ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो आज आपके पास इंडिया और श्रीलंका का T20 का मैच था, और जस्ट मेरे को अभी पता चला कि अच्छा ऐसा ऐसा हुआ करके। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप अगर अच्छे से सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हो, सही में आज आपको नहीं पता चला होगा कि आज का मैच हो गया, आपको मॉर्निंग में पता चलेगा आपके पास कि अच्छा इंडिया और श्रीलंका का मैच इतना एक बेहतरीन मैच हुआ इंदौर में। तो जब अपनी प्रिपरेशन मोड में रहते हो तो आपको अपने अराउंड की चीज़ें नहीं पता रहती है, लेकिन आप अगर अपनी प्रिपरेशन मोड में उतने अच्छी फॉर्म में एंगेज नहीं रहते हो, उतने सीरियस नहीं रहते हो, तो आपको T20 के एक एक ओवर का
आइडिया होगा कि क्या क्या मैच में हो रहा है। तो मेरा सजेशन है कि आप अपने लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस करें, अपने टाइम को बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करें, मैचेस होते रहेंगे, आगे आप देखते रहिएगा, अपने गेट के एग्जाम तक अपने किसी भी टाइम को वेस्ट ना करें, तो जितना हो सके उतना आप एफर्ट मारें। ठीक है, ओके, थैंक यू।